हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वैसे तो हम लोग सेब केलों के अलावा कुछ चीज़ एक्सपोर्ट करते नहीं, हमारे कोई एक्सपोर्ट है ही नहीं। मगर अगर हमें कभी करनी पड़ जाए कोई चीज़ एक्सपोर्ट, तो हमें इतना नहीं पता कि कौन सी कुरियर कंपनी हमारे लिए अच्छी है। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कौन सी कुरियर कंपनी बेस्ट है अगर आपने ओवरसीज़ के पार्सल डिलीवर करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद DHL एक्सप्रेस। हम सब ने DHL का नाम सुना होगा, इनकी वो पीले रंग की वैन फिरती रहती है हर जगह, जिसे हम वो एम्बुलेंस समझते रहते हैं। तो वो दरअसल DHL की वैन होती है। तो ये एक ओवरसीज़ कुरियर कंपनी है। सो ये पार्सल वर्ल्ड वाइड डिलीवर करते हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इनकी सर्विस है, पूरी दुनिया में ये पार्सल डिलीवर करते हैं। तो अगर आपने कोई शिपमेंट बाहर भेजनी है, आपने कोई पार्सल ओवरसीज़ भेजना है, तो आप DHL के थ्रू भेज सकते हैं। तो DHL में बेसिकली इशू ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर एक कुरियर कंपनी 2 किलो का पार्सल 12,000 में भेज रही है, तो DHL समझो उसे 24,000 में बेचता है। इतना ज़्यादा ये कॉस्टली है। DHL तो महंगा काफ़ी ज़्यादा है, मगर इनकी कस्टमर सर्विस काफ़ी अच्छी है। आपका शिपमेंट है आपकी, वो डिलीवर होगी अगले के एड्रेस तक। आपको ट्रैकिंग नंबर भी टाइम पर इशू होगा ऑन द स्पॉट। इनकी वेबसाइट भी हमेशा काम रहती है, इनकी सर्विस नेटवर्क अच्छा है, इनके ऑफिस हर जगह हैं। आप कभी भी इनके पास किसी क्वेरी के लिए जाओगे, तो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे टाइम पर। तो DHL में ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। ऑब्वियसली जो कंपनी महंगी होती है, वो आपको ऐसी अच्छी सर्विसेज देती हैं। और DHL में जो मेजर है जी है, वो है कि ये आपके घर से भी आगे पार्सल उठा लेते हैं। आपको इनके थ्रू जो हम पार्सल भेजते हैं, उनमें अक्सर कस्टम ड्यूटी हमें चार्ज नहीं होती, और पार्सल डैमेज नहीं होते। इनकेस अगर कोई पार्सल गुम जाए इनसे, तो ये उसका रिफंड देते हैं। तो DHL यस, ये टॉप पे है, मगर थोड़ी सी महंगी है। तो ये उन लोगों के लिए इकोनॉमिकल है जिन लोगों ने थोड़ी छोटी आइटम्स भेजनी है। जैसे अगर कोई अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट्स बेच रहा है, या अगर किसी ने छोटी प्रोडक्ट सेल कर बेच रहा है, कि अगर डॉक्यूमेंट वगैरह भेजना है, तो DHL बेस्ट है। ऐसे तो लैपर्ड कुरियर भी फॉरन डिलीवरी करती है, MNP भी फॉरन डिलीवरी करती हैं। सो इनकी पाकिस्तान में ऐसे बस गुजारा सर्विस है, तो इनका ओवरसीज़ पता नहीं क्या हाल होगा। तो मैं इन दो कंपनीज की बात नहीं कर रहा। तो इसके बाद मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में कंपनी यूज़ किया है, वो है DPX एक्सप्रेस, इसे डिपेक्स भी कहते हैं। सो इस कंपनी के सबसे ज़बरदस्त रेट हैं मार्केट में, अगर मैं कंपेयर करूँ। ये बड़े अच्छे रेट पे आपको पार्सल डिलीवर करते हैं। बल्क कार्गो में भी काफ़ी अच्छे रेट आपको प्रोवाइड करते हैं, और आपका बल्क कार्गो भी ये डिलीवर करते हैं। स्मॉल छोटे प्रोडक्ट्स, छोटे पार्सल्स भी ये डिलीवर करते हैं। इनके रेट काफ़ी अच्छे हैं, और इनकी कस्टमर सर्विस काफ़ी अच्छी है। ये आपको अच्छे टाइम पर रिस्पॉन्ड करेंगे। इनकी वेबसाइट भी हमेशा कभी डाउन नहीं होती, आपने जब ट्रैकिंग नंबर डालना डालो। तो इस कंपनी के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया है, मैं भी इनके साथ काम कर रहा हूँ, और ये बड़ा अच्छा, इनका नेटवर्क बड़ा अच्छा है। आपने कोई भी बात पूछनी हो, तो ये आपको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आपका पार्सल गुम जाए, तो ये आपको उस पर भी रिफ़ंड देते हैं। जैसे मेरे UK में कुछ पार्सल थे, वो गुम गए थे, तो फिर मैंने इनसे रिफ़ंड मांगा, तो मैंने इनसे रिफ़ंड क्लेम किया, तो वो हो गया था। तो ये बेस्ट कंपनी है, मैं अगर आपको बताऊँ। आप DHL वगैरह, FedEx वगैरह, इन कंपनीज को छोड़ दें, ये बेस्ट कंपनी है। सही है, फिर भी मैं इसके बाद एक कंपनी है FedEx, उसकी बात करूंगा। तो ये भी कंपनी एक ओवरसीज़ कंपनी है। इनके साथ मैंने इतना काम तो नहीं किया, मगर ओपिनियन बंदा दे सकता है। तो इनके मैंने काफ़ी ज़्यादा ओवरसीज़ शिपमेंट्स देखी हैं। मैं एक दफ़ा UAE गया था, वहाँ भी इनके काफ़ी ज़्यादा एयरपोर्ट में बार बार जहाज़ आए जा रहे थे। तो हर जगह इनकी सर्विस होती है। तो इस पर मैं कोई ओपिनियन नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने इस कंपनी को यूज़ नहीं किया, मगर आप इस कंपनी को भी यूज़ कर सकते हैं। इनके भी रेट्स थोड़े से हाई हैं डिपेक्स के निस्बत, मगर इनका यह है कि आपको ट्रैकिंग नंबर वगैरह टाइम पे मिल जाता है। तो इसके बाद एक कंपनी आती है स्काईनेट। तो इस कंपनी के भी काफ़ी सस्ते रेट हैं, डिपेक्स के निस्बत भी सस्ते रेट हैं इनके। ये मोस्टली UK में डिलीवरी करती है, काफ़ी इनकी स्पेशलाइजेशन है कि UK में पार्सल काफ़ी ज़्यादा इनके थ्रू लोग भेजते हैं। तो इस कंपनी के थ्रू आप पार्सल भेज सकते हैं। इनके थ्रू एक दफ़ा मैंने एक पार्सल भेजना था, तो इन्होंने मुझे कहा था कि अगर आपकी प्रोडक्ट डैमेज हुई, तो हम इसका क्लेम नहीं लेंगे। पता नहीं वो कि वुडन आइटम थी, तो ये कहते हैं कि मे बी कस्टम इस आइटम को थोड़ा सा डैमेज कर रहे हैं, तो हम इसका क्लेम नहीं लेंगे। तो इस तरह की इन्होंने थोड़ी सी मुझे तंग किया था। बाकी इनके रेट काफ़ी सस्ते हैं, और इनका सर्विस नेटवर्क तो इतना नहीं है, खैर यानी काफ़ी कम मुल्कों में ये सर्विस ऑफर करते हैं। इनकी इतनी कोई सर्विस है नहीं, आपको इनके इधर कोई ऑफिसेज वगैरह नहीं मिलेंगे। तो अगर आपने कोई सस्ती शिपिंग लेनी है, तो आप स्काईनेट को चूज़ करें, वरना और बहुत बेहतर ऑप्शन है। सो ये मैंने 4 कंपनीज का नाम लिया है। आपको अगर, फिर मैं इन समरी बात करूँ, कि अगर आपने
अगर आपको पैसों का मसला नहीं है, आपने सिर्फ टाइम बचाना है, अपने प्रोडक्ट को बचाना है, तो आप ऑब्वियसली DHL यूज़ करें। अगर आपको ये सारी चीज़ों का मसला है, पैसों का भी मसला है, प्रोडक्ट को भी आपने जल्दी डिलीवर करना है, रेट भी आपको अच्छा चाहिए, आपको सर्विस नेटवर्क भी अच्छा चाहिए, प्रोडक्ट भी आपके अच्छे हो, तो आप डेफिनेटली डीपेक्स एक्सप्रेस का यूज़ करें। 100% मैं आपको ये कंपनी रिकमेंड करूँगा। बाकी आप फेडेक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर फिर अगर आपको पैसों का मसला है, आपने सस्ती से सस्ती सर्विस चाहिए, आपको ये परवाह नहीं है कि कितने दिनों में पार्सल डिलीवर होगा, सो आप ऑब्वियसली स्काईनेट यूज़ करें। वैसे तो अगर हमने कोई भी पार्सल फ़ौरन भेजना है सिवाय DHL के, सारी कंपनी 7 से 10 दिन लेती हैं डिलीवरी करने में। तो अगर आपको कोई कंपनी कहे कि हम 3-4 दिन में डिलीवर कर देंगे, तो ये रॉन्ग है। ऐसा कभी नहीं हुआ हमेशा से। अगर आप इन्हें 3-4 दिन वाली कहोगे तो ये 7-8 दिन लेंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं ये चाहता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरियर कंपनीज पाकिस्तान में खुलें। दुनिया में इतनी ज़्यादा कंपनीज़ हैं, हमारे मुल्क में सिर्फ ये 3-4 ही हैं। तो आई वॉन्ट के हर बंदा एक्सपोर्ट करे, बाहर प्रोडक्ट सेल करे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।